वेलकम बैक टू माई चैनल नेहा रोहित व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे इज डे नंबर 17 ऑफ माई 30 डेज वेट लॉस चैलेंज। सो आज का हमारा डे नंबर है 17 गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड स्ट्रेचिंग के साथ कर दिया है वर्कआउट स्टार्ट। एंड गाइज, आजकल जो है ना, एक तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से मुझे फिर से कोल्ड एंड कफ जल्दी से चैलेंज कंप्लीट करना है ना, एंड उसके बाद देखेंगे अगर वेट लगा कि और कम करना है तो दोबारा चैलेंज स्टार्ट कर देंगे। बट आप वो मुझे बताना कि मैं 7 डेज का चैलेंज करूं या 21 डेज का करूं या 25 डेज का करूं या 30 डेज का करूं, वो आप लोग मुझे बताना, ठीक है। एंड बाकी जो है गाइस, स्ट्रेचिंग के स्टार्ट मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। एंड मैं डेली ना कोशिश यही करती हूँ कि मैं डेली आप लोगों के लिए न्यू एक्सरसाइजेस लेकर आऊँ, जिससे कि आप लोगों के लिए भी अच्छा रहे। एंड ये सारी एक्सरसाइजेस गाइस फुल बॉडी फैट लॉस के लिए स्पेशली मैं कवर करती हूँ अपना टमी एरिया, बिकॉज जैसे कि डिलीवरी के बाद जो होता है ना, चाहे वो नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, हमारे ना टमी पे काफ़ी ज़्यादा फैट जो है स्टक हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बाद में दिक्कत होती है। एंड गाइस एक चीज़ बता दूं, आप कभी भी जो पोस्टपार्टम वेट होता है ना, उसको रिड्यूस करने में ज़्यादा डिले भी मत करना, बिकॉज फिर नहीं हो पाएगा आपसे वेट कम, बहुत डिफिकल्टी से होता है। बिकॉज ये जो है ना, ये इनिशियल टाइम होता है जब आप इजिली कर पाते हो। एंड ठीक है, बाकी ये होता है कि सबकी बॉडी अलग है, कुछ कुछ तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं, वापस पतले हो जाते हैं। तो हमारे साथ वो नहीं है, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा फैट इतनी जल्दी से गेन होता है ना, तो ये सारी चीज़ें। एंड बाकी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। एंड जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया गया, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको मेरे हर जो है वर्कआउट की वीडियोस मिलती रहे। एंड बेल आइकन को प्रेस करोगे तो टाइमली मिलता रहेगा सारा ब्लॉग आप लोगों को। तो यही सब है गाइस। सो इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी डे 17 की फुल डे की डाइट क्या रही। एंड गाइस आजकल पता है क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप डे मतलब पूरा दिन में जो है 5 मील्स अपने डिवाइड कर लो, बट पोर्शन कंट्रोल के साथ। बट मेरे साथ क्या हुआ, अब मुझे हैबिट हो गई है, मैं मॉर्निंग में जो है ब्रेकफास्ट करती हूँ, देन फ्रूट्स खाती हूँ। लंच में मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लंच करने का मुझे बिल्कुल मन ही नहीं करता है। एंड जब तक आपको भूख ना लगे ना, बिल्कुल भी मत खाओ, ठीक है। वाटर इनटेक ज़्यादा रखो, बिकॉज अपने आपको हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग योर वर्कआउट टाइम, तो ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखना। एंड इवनिंग में मतलब जब नाइट आप डिनर करते हो, तो कोशिश करना कि 8 बजे से पहले पहले, और अगर ज्यादा अगर हो पाए तो 7:30 तक, 7 बजे तक अपना डिनर जरूर कंप्लीट कर ले, मैक्सिमम 8 बजे से पहले आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें, एंड रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर एंड बाहर का फूड, ये सब अवॉइड करें वेट लॉस जर्नी में, अदरवाइज आपका वेट नहीं जो है रिड्यूस होगा, बिकॉज हमारा जो वर्कआउट है सिर्फ 30% रोल प्ले करता है, बाकी रिमेनिंग परसेंट जो है हमारा डाइट होता है गाइस हमारे फैट लॉस में, वेट लॉस में। तो ये सारी चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें। एंड आप ये जो मैं आपकी एक्सरसाइज में आपको बता रही हूँ, आप ये सारी कर सकते हो, बिकॉज ये बिल्कुल सेफ एक्सरसाइजेज हैं, इनसे आपको कोई भी बॉडी पेन, बॉडी एक नहीं होगा। बिकॉज मुझे ये करते करते ऑलमोस्ट आप मान लीजिए मैंने अप्रैल में स्टार्ट करा था, बट ड्यूरिंग दैट टाइम मैं आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं लेकर आती थी, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि पता चले मैं ये सब वर्कआउट करूँ एंड मेरा वेट रिड्यूस ही ना हो। तो मैं पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, देन जब मैंने देखा यार कि मेरा वेट कम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस वर्कआउट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डाइट, तो फिर मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया ये चैलेंज। तो बस ये सारी चीज़ें ध्यान रखें गाइज, एंड फुल बॉडी फैट लॉस के लिए है ये वर्कआउट। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि डंबल्स जो है मेरे 2 kg ईच है, बिकॉज मैं अभी ज़्यादा डंबल्स नहीं उनका वेट करना चाहती, बिकॉज पता चले कि मुझे ना उससे हो पाए वर्कआउट, तो इसलिए मैं नहीं कर रही। 2 kg ईच भी इनफ होता है गाइज, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। एंड बस आप इंजॉय करो मेरा आज का वर्कआउट, एंड इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी डाइट फुल डे की।
चलिए फ्रेंड्स देखते हैं डे 17 की मेरी फुल डे की डाइट क्या रही। मॉर्निंग में मैं लेती हूँ नॉर्मल वाटर 1.5 से 2 ग्लास ऑलमोस्ट, या फिर 1 ग्लास कभी कभी। उसके बाद मैं लेती हूँ ल्यूकवार्म वाटर, एंड कभी कभी साथ में लेती हूँ, कभी कभी बाद में एलिमेंट्स लेती हूँ विदाउट पील आउट करे हुए, तो आप भी खा सकते हो। और मुझे कोई और जो है ना ड्राई फ्रूट पसंद है, इसलिए मैं ज्यादा एलिमेंट्स ही लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे बेसन का चीला लिया था जिसमें काफी सारी वेजिटेबल्स डाली थी, एंड थोड़ा सा मैंने बड़ा ही बनाया था बिकॉज मुझे भूख ज्यादा तेज लगी थी, एंड साथ में चटनी ली एंड विदाउट जैगरी विदाउट शुगर चाय ली। दोपहर में मैंने लंच में लिया था कड़ी चावल, साथ में खीरा लिया। खीरा आप जरूर अपने डाइट में इंक्लूड करें बिकॉज इसमें अच्छा फाइबर होता है, तो काफी अच्छा होता है फाइबर आपके वेट लॉस के लिए, तो आप पोर्शन देख सकते हो कंट्रोल मैंने किया हुआ है। डिनर में मैंने एक बिल्कुल स्मॉल साइज की पतली सी जो है रोटी ली थी, खीरा लिया, अचार लिया, साथ में ग्रीन मूंग दाल ली थी लेंटिल वाली जो छिलके वाली होती है, ये काफ़ी अच्छी होती है, हेल्दी होती है, प्रोटीन इसमें होता है, तो दालों का जरूर अपने डाइट में उपयोग करें, काफ़ी अच्छा रहता है प्रोटीन बिकॉज हमारी डाइट में होना चाहिए गाइस फाइबर प्रोटीन एंड गुड कार्ब्स। सो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।